महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम शनिवार को घोषित किए गए, जिसमें महायुति गठबंधन ने शनिवार को जीत दर्ज की और विपक्षी महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि सिंधे सेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके उलट कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की सीटों की संख्या कम रही। इस नतीजे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनावी परिणाम सामने आने के बाद कई नेता इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हार के सदमे में बैठे संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद एक शोकिंग बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी की अपमानजनक हार के बाद उसके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके करीबी सहयोगी संजय राउत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ पर गजब की बौखलाहट दिखाई है। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, अगर शिवसेना में बगावत के बाद विधायकों की अयोग्यता पर चंद्रचूड़ ने समय पर फैसला दे दिया होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। शनिवार शाम को हार के कारणों का विश्लेषण करने के बाद ठाकरे ने कहा था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न देने के कारण उन पर निशाना साधा गया था। ठाकरे ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना बनाम शिवसेना यूबीटी और राकांपा बनाम राकांपा शरद चंद्र पवार के मुद्दे पर अपना फैसला नहीं दिया। करीब दो साल हो गए, अब तो चुनाव भी हो गए, तो हम किस पर भरोसा करें या किसके पास जाएं? रविवार को इस बात को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने न्यायमूर्ति का नाम लेते हुए उन पर खुलकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि चंद्रचूड़ ने दल बदलुओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया है, उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा, अयोग्यता याचिका पर फैसला न करके न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दल बदलुओं के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ ही हैं। इसी प्रकार कुछ समय पहले शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली और चुनावी रैलियों में भी ठाकरे पार्टी विभाजन के बाद कोर्ट द्वारा फैसला न करने पर बात करते रहे हैं। ठाकरे ने शिवसेना विभाजन पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर चंद्रचूड़ वास्तव में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो अभी मौका है, आपके सेवानिवृत्त होने से पहले अभी भी समय है, लोकतंत्र बचाओ, पूरा देश आपकी ओर देख रहा है, कृपया ऐसा निर्णय ले जिससे देश को आप पर गर्व हो। शनिवार को महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों के परिणाम आ गए हैं। भाजपा नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को शर्मनाकार का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस को 16 सीटें और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी को सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति ने 200 से अधिक सीटें जीती। अकेले भाजपा ने 127 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना 55 और अजीत पवार की एनसीपी 37 सीटों पर जीती है। यह जीत न केवल महायुति के लिए ऐतिहासिक है बल्कि विपक्ष के लिए करारी शिकस्त भी। वहीं हार से बौखलाए विपक्षी नेता ईवीएम सरकार और पूंजीपतियों पर दोष मढ़ते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने तो इसे जनता पर थोपा गया नतीजा तक बता दिया। यही नहीं, सपा से एनसीपी शरद पवार में आए फवाद अहमद की एक्ट्रेस बीवी स्वरा भास्कर ने तो ईवीएम पर ही उंगली उठा दी और मशीन में खराबी का घिसा पिटा राग अलापने लगी। महायुति की प्रचंड जीत ने महाविकास अघाड़ी को हिलाकर रख दिया। अघाड़ी सिर्फ 55 सीटों तक सिमटती दिख रही है। हार से आहट एमवीए के नेता अब हार के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा, यह जनता का फैसला नहीं हो सकता, पूरी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने अडानी के नाम का जिक्र करते हुए भाजपा पर भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। राउत ने कहा, शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं, यह नतीजे जनता पर थोपे गए हैं। उन्होंने लाटकी बहन योजना का मजाक उड़ाते हुए कहा, यहां लाडले नाना दादा और भाई हैं, असली जनता का मन ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने हार के लिए एमवीए और विशेष रूप से संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, राउत हार का ठिकरा ईवीएम और उद्योगपतियों पर फोड़ रहे हैं, जबकि असल में वे खुद एमवीए की छवि खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी बयानबाजी ने गठबंधन की छवि खराब की। चुनाव के नतीजों के बीच
अणु शक्ति नगर सीट पर स्वरा भास्कर के शौहर फहाद अहमद को हार मिली। 19 में से 18 राउंड की गिनती पूरी होने पर वो 1500 वोटों से ही पिछड़ गए थे, जिसके बाद स्वरा ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए और सोशल मीडिया पर कहा, पूरा दिन मतदान के बावजूद ईवीएम मशीन 99% चार्ज कैसे हो सकती है? जैसे ही ये मशीनें खुली गई एनसीपी को वोट मिलने लगे, चुनाव आयोग इस पर जवाब दे। चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जो खुद दक्षिण करार सीट से हार गए, कांग्रेस नेतृत्व को सीधे निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, हमारी लीडरशिप बेहद खराब रही, शायद यही हार का बड़ा कारण है। चव्हाण ने आरएसएस की रणनीति और भाजपा के अनुशासन की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस की मदद से भाजपा ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, इसके विपरीत कांग्रेस में समन्वय और योजना का अभाव था। स्वरा का यह बयान भी विपक्षी के नेताओं की उस नाराजगी को दर्शाता है, जहां हार का ठिकरा तकनीक और प्रक्रिया पर फोड़ा जा रहा है। एमवीए की तीनों पार्टी एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना के बीच तालमेल की कमी थी। कांग्रेस और एमवीए के अन्य दलों में आरोप प्रत्यारोप ने जनता के बीच नकारात्मक संदेश भेजा। महायुति की ऐतिहासिक जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण स्थापित कर दिए हैं। चुनावी परिणाम महाराष्ट्र में भाजपा के बढ़ते दबदबे और कांग्रेस की कमजोर होती पकड़ का स्पष्ट संकेत है। विपक्ष को अब संगठनात्मक सुधार पर ध्यान देना होगा, तो उसे जनता से जुड़े मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है, वरना महाराष्ट्र में भाजपा का वर्चस्व और मजबूत होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ टिप्पणी करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी घिर गए हैं। डॉक्टर्स के एक समूह ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। राहुल की टिप्पणी से पता चलता है कि उनमें संवेदनशीलता की कमी है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख व राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा गया, इसमें नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन भारत के अध्यक्ष सीबी त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां उम्र बढ़ने और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के बारे में हानिकारक रूढ़िवादिता को कायम रखने वाली है। महाराष्ट्र के अमरावती में 16 नवंबर को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरह स्मृति लोप से पीड़ित है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन का जिक्र किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी भी संतुलन के साथ भाषण देने की कोशिश नहीं करते हैं, वे हमेशा अतिवादी रंग में रहते हैं। जो बात कहते हैं वह सुपरलेटिव डिग्री में, यानी अतिशयोक्ति अलंकार में बोलते हैं। चौकीदार चोर है से लेकर हर व्यक्ति की जाति पूछते चले तक यह दिखता है। हो सकता है कि उनके अंदर भी इस तरह से बात करने की प्रवृत्ति हो, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि उनके भाषण लिखने वालों को भरोसा नहीं है कि जो बात वे कहने जा रहे हैं उसे लोग ध्यान से सुनेंगे। उनको लगता है कि अतिशयोक्ति में बोलने पर लोग ध्यान देंगे और उसका असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर जिसके पास कहने को कुछ नहीं होता वही चिल्लाकर अपनी बात कहता है। राहुल गांधी के भाषणों का विश्लेषण करें तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ अतिवादी बातें मिल जाएंगी। जैसे अभी दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जितना भी प्रचार किया उसमें वे लगातार सुपरलेटिव डिग्री में बोलते रहे। उन्होंने एक सभा में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह मोदी भी बात भूलने लगे हैं और उनको पीछे से बताना होता है कि क्या बोलना है। पता नहीं क्यों राहुल ने यह बात कही, क्योंकि यह अमेरिका के लिहाज से भी बैड टेस्ट में है। अगर बाइडेन को बात भूलने की बीमारी है तो यह मजाक का विषय नहीं है और उनकी पार्टी ने खुद ही उनको राष्ट्रपति चुनाव से हटाया था। दूसरे प्रधानमंत्री कैसे यह बात भूल रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं दी और दोबारा यही बात कही भी नहीं कही। इसी तरह उन्होंने एक सभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अरबपतियों की कठपुतली है। एक तरफ प्रचार और अपने संस्थानों के जरिए भाजपा ने देश में यह स्थापित किया है कि मोदी विश्व नेता हैं और इतने मजबूत हैं जितना मजबूत नेता आज तक नहीं हुआ। भाजपा की सरकार ने अपनी योजनाओं से यह मैसेज बनवाया है कि मोदी अति पिछड़ी जाति से आते हैं और गरीबों के लिए सोचते हैं। देश का बड़ा समूह इस पर विश्वास भी करता है। दूसरी ओर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी अरबपतियों की कठपुतली है। पता नहीं राहुल का भाषण लिखने वालों को अंदाजा है या नहीं कि आम लोग या तो इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उसे गलत नहीं मान रहे हैं। ऐसे ही भाजपा की ओर से कहा गया कि राहुल की सभाओं में खाली पन्नों वाला संविधान बांटा गया, तो इसका जवाब देने के लिए राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया तो कहा कि मोदी ने संविधान का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। गौतम अडानी पर फड़फड़ा रही कांग्रेस के लिए आई बेहद बुरी खबर। भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत देने के लगे आरोपों से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी पर रिश्वत देने और
जालसाजी के आरोप लगाए हैं। ये आरोप गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए हैं। इन आरोपों से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देशों में अडानी समूह के कारोबार हैं। ऐसे में कई देशों ने उनके साथ कारोबारी रिश्ते और प्रोजेक्ट पर विचार करने या रद्द करने की बात तक कही है। रिपोर्ट के मुताबिक सीईसी के प्रमुख गैरी गैंगस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के वक्त पद छोड़ने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालेंगे। आधिकारिक तौर पर गैंगस्टर का 5 का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा, लेकिन बीते कुछ समय से व्हाइट हाउस में बदलाव के साथ ही इस संस्था के प्रमुख के भी बदल जाने का रिवाज है। गैंगस्टर के कार्यकाल में सीईसी ने बाजार में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने कॉरपोरेट घरानों की ओर से डिस्क्लोजर पर जोर दिया, लेकिन वह कई कानूनी पचड़े में उलझे रहे। उनके इस्तीफे के कुछ ही घंटे पहले सीईसी के एक नए नियम को खारिज कर दिया। अमेरिका का शेयर बाजार करीब 27 ट्रिलियन डॉलर का है। इस्तीफे को लेकर जारी बयान ने गैंगस्टर कहा है कि सीईसी ने अपने लक्ष्य पूरा किया है। उसने बिना किसी डर या भय के अपने नियम लागू किए हैं। अडानी पर अमेरिकी एजेंसियों ने भारत में सौर बिजली का ठेका हासिल करने के लिए 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी तथा उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य लोगों पर ये आरोप लगाए गए हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने महंगी और ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों को रिश्वत दिया। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि वे अडानी समूह ने इस जानकारी को छिपाया, जो निवेशकों के साथ एक धोखा है। अडानी पर बुधवार को लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। जयराम रमेश ने गुरुवार को एक्स के माध्यम से अडानी समूह और सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने लिखा, गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य के खिलाफ अमेरिकी अडानी कार्यालय ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा चालू किए गए मुकदमे में अडानी के आपराधिक गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2020 से 2024 के बीच भारत के सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत दी गई। जयराम रमेश ने आगे लिखा, मुकदमे में कहा गया है कि रिश्वत भारत सरकार के साथ सोलर एनर्जी सप्लाई करने का टेंडर लेने के लिए दी गई थी और इस टेंडर के मिलने से 2 बिलियन डॉलर से अधिक का मुनाफा होने होता है। इसी मुकदमे में कहा गया है कि कई मौकों पर गौतम अडानी ने अपनी रिश्वत की योजना को और आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक सरकारी अधिकारी से मुलाकात की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक और फोन सबूत होने का दावा किया गया। अडानी पर हमला करते हुए जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उन्हें मोदी सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने मांग की कि भारत में भी अडानी समूह के ऑपरेशन की जांच करने के लिए नए एसईबीआई मुखिया की नियुक्ति की जाए और साथ ही एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी किया जाए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस नेता और राहुल की बहन प्रियंका गांधी बढ़त बनाई हुई हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर है, जबकि बीजेपी पिछड़कर तीसरे पायदान पर। केरल के वायनाड सीट में से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव का नतीजा आने के पहले ही प्रयागराज में कांग्रेसियों में उत्साह हिलोरे लेने लगा है। कांग्रेस पार्टी के पोस्टर बॉय हसीब अहमद ने तो इसे लेकर आनंद भवन के मुख्य गेट पर एक बैनर भी लगा दिया, जिसमें प्रियंका की तुलना इंदिरा से की गई। रिजल्ट आने के पहले ही कांग्रेसी प्रियंका की जीत का जश्न मनाने लगे हैं। गांधी नेहरू परिवार के पैतृक निवास प्रयागराज के आनंद भवन के गेट पर इंदिरा गांधी और प्रियंका वाड्रा के चित्र वाला बैनर कांग्रेसियों ने लगाया। बैनर में इंदिरा इज बैक लिखा है। वैसे तो बैनर के जरिए कांग्रेसियों ने वायनाड लोकसभा चुनाव में प्रियंका को जीत की एडवांस में बधाई दी, लेकिन बैनर में इंदिरा इज बैक लिखकर कांग्रेस प्रियंका गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से तुलना करने की कोशिश है। चुनाव के नतीजे के पहले जीत की अग्रिम बधाई के लिए बैनर लगाना तो समझ आता है, लेकिन प्रियंका के साथ इंदिरा की तुलना के क्या मायने हैं? पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता हसीब अहमद का कहना है कि प्रियंका इंदिरा गांधी का अवतार हैं। वे जब राजनीति की मुख्यधारा में कांग्रेस को बदल देगी, सवाल यह है कि तो क्या कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका के बीच से सियासी तुलना नहीं शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस बचती रही है। मार्च 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से 14वां
आम चुनाव लड़ेंगे। उस समय तक उनकी मां सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ती थी। इसके बाद सोनिया अमेठी के पड़ोस में ही निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ने लगी। उस समय जब राहुल ने ये ऐलान किया तब लोगों ने इसे लेकर काफी हैरानी जताई थी, क्योंकि राजनीतिक एक्सपर्ट राहुल की बहन प्रियंका गांधी को अधिक करिश्माई और संभावित उत्तराधिकारी मानते थे। ऐसे में अगर वह महाराष्ट्र चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाती है तो राहुल गांधी के नेतृत्व और रणनीति पर सवाल उठ सकते हैं। इस बार वायनाड में 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने सत्यन मोकरी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नव्य हरिदास को चुनाव मैदान में उतारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड लोकसभा सीट पर 73.57% मतदान हुआ। दक्षिण भारत में केरल के वायनाड लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट रही। 2019 में राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हारने के बाद यहां से चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सीट पर चुनाव लड़कर कुल 7,06,367 वोट हासिल किए थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राहुल गांधी को कुल 64.94% वोट मिले थे। उस वक्त दूसरे स्थान पर रहे भाकपा के पीपी सुनीर को महज 2,74,597 वोट मिले थे। इस सीट पर साल 2009 और 2014 में दिवंगत कांग्रेस नेता एमआई शनवास सांसद चुने गए थे। 2018 में उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद साल 2019 के चुनावों में राहुल गांधी ने इस सीट से नामांकन दाखिल किया था। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं।